हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम पालक मटर पनीर राइस बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद में इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। इसको हिलाते हुए हम इसको सैलो फ्राई कर लेंगे। पनीर जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने रख देंगे। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तब उसमें हम 3 लौंग और 1 तेजपत्ता डाल देंगे, जीरा और हींग डाल देंगे। और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और 1 कली लहसुन को मैंने कद्दूकस करके रखा था वो डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम सौते होने देंगे इसको। मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे रेड कैप्सिकम ले रही हूँ, आप चाहे तो ग्रीन या येलो भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम 2 मिनट के लिए सौते होने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी। अब मैंने पालक को चॉप करके रखा है वो डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं ढक करके 2 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी डाल देंगे। इसको ढक करके मैं 2 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी, धनिया पाउडर और मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बिरयानी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। 1 कप चावल में 2 कप पानी मिला के मीडियम फ्लेम पे कुकर में 4 विसल लगा के ये मैंने राइस रेडी किए हुए हैं। मसाला हमारा सौते हो चुका है तो अब मैं इसमें मैंने जो कुक करे हुए राइस थे वो डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे क्यूब्स वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें लास्ट में नींबू का रस डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। टेस्टी पालक मटर पनीर राइस रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसके वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।